नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारी सेहत सीधे हमारे खान पान से जुड़ी होती है, तो हमारे खान पान की शुद्धता का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं आज बात कर रही हूँ मसालों के बारे में, जो हम खाना बनाते समय मसालों को यूज करते हैं, उन मसालों के बारे में। जो मसाले हम बाजार से सीधे लेकर आते हैं, उनमें मिलावट हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि 100% होती है, लेकिन मिलावट हो सकती है उनमें। इसलिए अपने घर में साबुत मसाले लाकर उन्हें घर में तैयार करना चाहिए। बस इसी तरीके से हम मिलावट से बच सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगी मिर्च के बारे में। मिर्च को हम साबुत ही लेकर आए, साबुत लेकर आए, उसके घर पर आकर उसके जो नकरू होता है एक साइड में, उसको हम नकरू बोलते हैं, तो उसे तोड़कर फिर सुखाकर फिर आप हम मैंने दी थी ये वंदना के पापा को कि इसको पिसवा कर लेकर आना है, तो पिसवा कर लेकर आए हैं। ये थोड़ी साबुत मिर्च मैंने रखी है बिना पिसवाए, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी, इसलिए भिगोकर इसकी चटनी बनाते हैं। और आज मैं आपको मिर्च पिसवा कर लाने के बाद घर पर लाकर कैसे उसको तैयार करके रखते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं आज। अभी मैं इनको छान रही हूँ, जो मिर्च होती है उसको छानने से बहुत सारा कचरा निकलता है इसके अंदर, तो वो हम निकाल देंगे अच्छे से छान कर। तो अभी इस थैली में 2 किलो मिर्च पिसी हुई है और उसमें से मैंने 1 किलो छान लूँगी इसको। तो दोस्तों, अभी मैंने आधी छान ली है, 2 किलो थी, इसमें से 1 किलो छान ली है। और छानने के बाद इसमें मैं तेल मिलाऊंगी, और ये तेल वही है जिसमें हम सब्जी में छौंक लगाते हैं। आधा गिलास तेल मैं इसके अंदर मिला रही हूँ, और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे तेल को। ये तेल आप सरसों का ले सकते हैं, मूंगफली का ले सकते हैं, जो भी आप सब्जी में यूज में लेते हैं वो तेल आप ले सकते हैं। और फिर अच्छे से मिलाकर इसको एक डब्बे में डालकर रख देंगे। जो ये एक साइड में यहाँ पे है, वो हम हमेशा मिर्च के लिए ही रखते हैं, इसको भरकर एक बार रख देते हैं, और 12 महीने के लिए हमें काफ़ी होता है ये। तेल मिलाने से इसका कलर अच्छा हो जाता है मिर्च का, और सब्जी का कलर भी अच्छा आता है, और स्वाद भी हो जाती है, और बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है मिर्च। तो मेरी ससुमा हमेशा ऐसा ही करती है, तो वही मैंने सीखा और हम भी ऐसे ही करते हैं। और ये भरकर हम रख देंगे। इसके अंदर 4 किलो मिर्च मैं डालूंगी, अभी मेरे पास 2 किलो है, 2 किलो डालकर इसको पूरा भरकर हम रख देंगे। ये हमें 1 साल से ज़्यादा दिन तक ही चल जाएगा, क्योंकि हम मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं। और फिर मैं इसको भी छान रही हूँ। इसको मिर्च को हम घर पर, हमने तो पिसवा कर मंगवाई है चक्की से, लेकिन इसको हम घर पर भी कूट सकते हैं, ओखली से कूटते हैं मिर्च को, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है।
और चेहरे पर यह कपड़ा मैंने इसलिए बांध रखा है क्योंकि इसे धांस हो जाती है सांस के साथ मिर्च जाने से, फिर तो इसीलिए नाक पर कपड़ा बांध कर ही ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और किसी किसी को मैं अपने हाथों से ऐसे मिला रही हूँ, हाथों में भी जलन होने लगती है, लेकिन मुझे हाथों में नहीं होती है इसलिए मैं हाथों से ही कर रही हूँ। तो ये मैंने इतनी मिर्च तो छान ली है पूरी और इसके अंदर भी तेल मिला रही हूँ ये देखिए, और फिर अच्छे से इसको मिलाऊंगी। मुझे हाथों में जलन नहीं होती है, लेकिन जिनको हाथों में जलन होती है मिर्च से, वो हाथों से ऐसे ना करें, वो फिर ग्लव्स पहन के कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए अभी मैंने मिर्च पूरी इसके अंदर डाल दी है, और 1-2 किलो की थैली और थी वो भी मैंने फिर छान कर और तेल मिलाकर इसके अंदर डाल दिया, और इसको पूरा भर के रख दिया मैंने। ये देखिए अभी पूरी भर गई है ये भरनी,